So hey everyone. Good evening to all of you. This is Ambi, banker, SBI. So एक और सैलरी स्लिप आपके सामने मैं लेके आया हूँ. ये है यूको बैंक की सैलरी स्लिप, दैट इज़ IPS PO के थ्रू इनकी सिलेक्शन हुई थी. ये लेटेस्ट सैलरी स्लिप है गाइस, जनवरी 2023 की. ओके, एंड ही इज़ अ न्यू जॉइनी, ज़्यादा दिन अभी नहीं हुए इनको. इनकी डेट ऑफ जॉइनिंग है, देख लो आप, यहाँ देख सकते हो 23/5/2022. मतलब इनको ज़्यादा दिन अभी नहीं हुए, मेरे ख्याल से 8 या 9 महीने ही हुए हैं इनको ज्वाइन किए हुए. डेट ऑफ रिटायरमेंट भी आप यहाँ देख सकते हो 31/5/2057 को है, 2057. एंड सो चलिए स्टार्ट करते हैं सैलरी स्लिप, देखते हैं इनको क्रॉस क्या मिलता है, इनकी नेट इन हैंड कितनी आती है, क्या इनके डिडक्शंस है, सारे यहाँ पर डिटेल्स में मैं डिस्कस करूँगा. दिस विल बी अ मोटिवेशन फॉर यू फॉर योर अपकमिंग एग्जाम्स. सो लेट्स स्टार्ट. तो गाइज यहाँ आप देख सकते हो, यहाँ पे इनकी बेसिक जो है वो 36,000 है. ये IPS के किसी भी बैंक में आप स्टार्टिंग जो बेसिक होती है वो आपकी 36,000 से शुरुआत होती है. DA, डियरनेस अलाउंस, ये लगभग 15,000 के आसपास इनको मिलता है. HRA, दैट इज़ हाउस रेंट अलाउंस, ये इनको 3780 रुपये में यहाँ पे आप देख सकते हो मिलते हैं. CCA इनको मिल रहा है 700 रुपये. ओके, स्पेशल अलाउंस इनको मिलते हैं 5,904 रुपये. गाइस मैं यहाँ आपको एक बात बता दूँ कि ये सारा जो चीज़ है बेसिक है वो हर साल आपका बढ़ता है, एक इंक्रीमेंट आपको हर साल लगेगा. तो अगर बेसिक बढ़ता है तो आपका DA भी बढ़ेगा, HRA भी बढ़ेगा, CCA भी बढ़ता है, स्पेशल अलाउंस भी बढ़ता है, सारा जो भी है हर साल आपका इंक्रीज होते रहेगा. ओके, यहाँ पर DA देख सकते हो, DA डियरनेस अलाउंस अदर्स वहाँ पे है, इनको मिलते हैं 2677 रुपये, ये आप देख लो. लर्निंग अलाउंस 600 रुपये. तो टोटल अगर आप देख लोगे यहाँ पे इनकी ग्रॉस सैलरी जो है, यहाँ आप देख सकते हो इनको मिल रहे हैं लगभग 65,000 के आसपास. 65,000 प्लस इनको और भी बहुत सारे अलाउंसेस मिलते हैं, पेट्रोल अलाउंस, न्यूज़पेपर अलाउंस, मैगजीन अलाउंस, ये छोटे छोटे अलाउंसेस इनको और भी मिलते हैं. तो आप 4,000 से 5,000 मान के चलो एक्स्ट्रा इनको मिल जाता है. तो यहाँ अगर ग्रॉस आप देख सकते हो लगभग, आप अगर मान के चलो तो ग्रॉस इनकी लगभग 70K यानी 70,000 के आसपास है. ओके, नाउ लेट्स सी हिज डिडक्शंस, इनके क्या क्या डिडक्शंस है, क्या क्या कटते हैं, कितने इनके DA हैं. तो गाइज ये आप देख सकते हो यहाँ पे अभी DA जो करंट DA है वो ये है 41.16%. इनकम टैक्स, समझ रहे हो, इनकम टैक्स देना पड़ता है, अच्छी खासी सैलरी जिनकी होती है, इनकम टैक्स देना पड़ता ऑब्वियसली. तो ये आप देख लो 5,812 रुपये इनकम टैक्स से इनके कटते हैं. ओके, प्रोफेशनल टैक्स 200 रुपये कटते हैं. फेस्टिवल एडवांस, ये गाइस सबका नहीं कटता है, इन्होंने एडवांस ले लिया होगा एक महीने का, किसी फेस्टिवल में इन्होंने कोई एडवांस ले रखा होगा तो वो इनके कटते हैं. ये सबका नहीं कटेगा, अगर आप एडवांस लोगे तभी कटेगा, नहीं तो आपका नहीं कटेगा. तो यहाँ मैं आप एट द एंड मैं इसको डिडक्ट नहीं करूँगा और मैं फाइनली बता दूँगा कि आपको कितने मिलेंगे. ओके, यूनियन, यहाँ आप देख सकते हो इन्होंने यूनियन ज्वाइन की हुई है, 200 रुपये यूनियन के कटते हैं. यूनियन इज़ नॉट कंपलसरी बट आप ये ज़रूर आप यूनियन ज्वाइन कर लेना, क्योंकि अगर कोई भी बैंक से रिलेटेड इश्यूज़, कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी ट्रांसफ़र रिलेटेड इश्यूज़ बाद में अगर होता है तो आपको यूनियन ही शॉर्ट आउट करता है. तो इट्स बेटर कि यू ज्वाइन द यूनियन. ओके, NPS कंट्रीब्यूशन, यहाँ आप देख सकते हो 5,081 रुपये NPS कंट्रीब्यूशन है इनकी. तो यहाँ आप देख सकते हो टोटल डिडक्शंस इनके हैं 14,893 रुपीस. यहाँ ये डिडक्शंस 14,000, यहाँ 3600 रुपये आप माइनस कर दो तो लगभग 11,000 ही डिडक्शंस होंगे आपके. तो नेट सैलरी यहाँ आप देख सकते हो 50,000 के आसपास है इनकी नेट सैलरी. ओके, यहाँ आप देखो 50,000 के आसपास इनकी सैलरी है, प्लस 50,000 प्लस यहाँ 3600 रुपये जो मैंने डिडक्ट किया था, ये सब के नहीं कटेंगे. तो 50 प्लस यहाँ 4,000 के आसपास 54, और जो पेट्रोल अलाउंस वगैरह जो मिलेगा, बाकी पेट्रोल अलाउंस और न्यूज़पेपर अलाउंस, ये सारा ऐड करके टोटल इनको मिल जाएगा और 4,000 से 5,000 रुपये. तो आप लगभग आप मान के चलो कि 60K अराउंड 60,000 रुपये इनको मिलता है नेट इन हैंड सैलरी, इनकी 60,000 के आसपास है हर महीने इनको मिलते हैं. सो आई थिंक ये बहुत अच्छी सैलरी है एज ए IPS PO. अगर आप ज्वाइन करोगे, अभी आप ज्वाइन करने वाले हो कुछ ही दिन के अंदर,
और यहाँ आप ये भी देख सकते हो कि NPS बैंक योगदान, जो बैंक योगदान करेगी NPS में, वो ये कंट्रीब्यूशन आपका 7,114 रुपये बैंक कंट्रीब्यूट करेगी। तो एट द एंड जब आपकी रिटायरमेंट होगी तो अच्छा खासा सैलरी आपका, अच्छा खासा अमाउंट आपको आफ्टर द रिटायरमेंट आपको मिल जाएगा। सो दिस इज़ अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल ऑफ यू। प्रिपरेशन करो अच्छे से, इस बार नहीं हुआ अगली बार निकाल लेना है। IBPS PO हो, SBI क्लर्क हो, SBI PO हो, किसी में भी हो जाए, बैंकिंग जॉब एक बहुत ही अच्छी जॉब है। सो अच्छे से प्रिपेयर करते रहो। ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू।